नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, सदियों से भारतीयों के धर्म को, हमारी परंपरा को, हमारी संस्कृति को एक हीन भावना से देखा जाता है। पाश्चात्य संस्कृति के लोग ये दर्शाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हमारा धर्म काफी पिछड़ा हुआ है, हमारी सोच जो है वो बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं है। पर क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? क्या हमारा धर्म आडंबरों से भरा हुआ है? क्या हमारे धर्म में सारी चीजें दिखावटी ही हैं? क्या हमारा धर्म इतना सहज नहीं है जितना औरों का है? इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का जवाब मेरे लिए तो ये है कि हमारे धर्म, सनातन धर्म, इतना सहज धर्म शायद ही कोई हो। भारतीय संस्कृति जो आदिकाल से हमेशा अग्रणी रही है, उससे सहज कुछ भी नहीं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कुछ उदाहरण दिए हैं, मैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। तुलसीदास जी धर्म को सरल शब्दों में परिभाषित करते हैं। वो कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। मतलब दूसरों का हित करना ही धर्म है, इसमें कौन सा आडंबर है भाई? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। तुलसीदास जी एक और दोहे में कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना। मतलब अगर आप सच बोलते हैं, सत्य का पालन करते हैं, तो ये धर्म है, इसमें किसी प्रकार का आडंबर तो नहीं दिखता मुझे। फिर भी ये सदियों से चली आ रही परंपरा है कि भारतीयों को नीचा दिखाना है। एक और दोहा जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सेवा धर्म सकल जग जाना। इसमें भी सेवा भाव को ही धर्म बताया गया है। तो सोचिए, समझिए, वो क्या कारण है, क्या कारण है कि हमें बार बार नीचा दिखाया जा रहा है। भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति अत्यंत ही सहज है, जो मानव सेवा को परम धर्म बताती है। एक उदाहरण के प्रत्यक्ष समर्पित करता हूं, इसे देखें, समझें और समझें कि भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति क्या है। इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। विश्वामित्र भूख प्यास से व्याकुल हैं, तड़प रहे हैं। जब नहीं रहा गया तो उन्होंने कुत्ते का मांस खा लिया। यह देख चकित हुए एक चांडाल ने पूछा कि क्या करते हैं ऋषिवर? ऋषि का उत्तर सुंदर है। विश्वामित्र कहते हैं, जो कर्म करने से जीवन में उत्साह आए और दुख व क्लेश ना रहे, वह कार्य करना ही धर्म है। जिस प्रकार जीना धर्म है, उसी प्रकार जीने के लिए सभी उपाय करना भी धर्म है। मरने से अधिक अच्छा है जीना, क्योंकि जब जियोगे तभी ना जीवन के धर्म का पालन कर सकोगे। यूं कहें कि जीवन और धर्म परस्पर पूरक हैं। आप देखें, विश्वामित्र जैसे बड़े ऋषि ने धर्म को बेड़ियों में नहीं डाला कि आमुक आमुक कार्य वर्जित हैं, या आमुक कार्य कर दिया तो नर्क जाना होगा। उन्होंने कहा, आपद धर्म ही धर्म है। इसलिए कृपया यह समझें कि धर्म बिल्कुल भी जटिल नहीं है। विश्वामित्र ने अपने उदाहरण से बताया कि धर्म को जटिलताओं से मुक्त रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। हमारे यहाँ ईश्वर की प्राप्ति या अमर हो जाने के बड़े बड़े मार्ग नहीं बतलाए गए हैं। इच्छाओं को वश में कर लेना ही, उससे मुक्ति पा लेना ही ईश्वर से साक्षात्कार है। तो आपने देखा धर्म कितना सहज है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में धर्म की रक्षा के लिए अपना एक वचन भी दिया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। तो भगवान के इस वचन पे विश्वास करें, धर्म की सहजता को स्वीकार करें, धर्म को सहज रूप में स्वीकार करें, आडंबरों का परित्याग करें, मानव सेवा में स्वयं को समर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।